उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी भाजपा की सरकार के मंत्रिमंडल में संभल जनपद की चंदौसी विधानसभा से भाजपा विधायक गुलाब देवी के मंत्री बनने से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है तथा उन्होंने अपनी खुशी का इजहार आतिशबाजी करके तथा मिठाई बांटकर किया। इस अवसर पर मंत्री बनी गुलाब देवी की बेटी सुगंधा का कहना है कि यह सब कुछ जो भी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। सब कार्यकर्ता मम्मी के हम मैं खुद कार्यकर्ता हूँ, हम सब आए हुए हैं और जो जिस तरीके से सब मिठाई उठाई खा रहे हैं, ढोल वोल बज रहे हैं, सब बहुत खुश हैं। उन सबकी मेहनत सफल हुई और सब बहुत ज्यादा ही खुश हैं। ये योगी ये मेहनत योगीनाथ आदित्य के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में मिठाइयां बांटी जा रही है, भाजपा की गवर्नमेंट बनने की खुशी में। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट थी ये चंदौसी विधानसभा। श्रीमती गुलाब देवी जी यहाँ से 4 बार विधायक रही हैं, मंत्री भी रही हैं। 10 साल से वो लगातार 2 बार हार गई थी। इस बार जनता ने उनको 45,500 कुछ वोटों से विजयी बनाया है और पूरी चंदौसी की जनता, आसपास की सीटें भी, जो जिले की जो जनता है हमारे पूरे संभल जिले की, वो सब खुश है और बहुत खुश है। और जो है गुलाब देवी के जीतने से हमको लगता है, हम बहन जी से बात करेंगे कि जिला मुख्यालय चंदौसी विधानसभा में ही बने। अच्छा भैया, जैसे संभल जनपद का नाम संभल रखा जाए वाले धूमनगर था, तो क्या उसका नाम भी परिवर्तन करने की कोशिश की जाएगी, धूमनगर रखा जाएगा या कुछ और रखा जाएगा? हम तो ये कोशिश करेंगे कि चंदौसी ही रखा जाए, क्योंकि अभी मुख्यालय बना तो है नहीं, अभी तो कोई जगह की भी व्यवस्था नहीं है। अब हमारी सरकार है, माननीय मंत्री जी से हम आग्रह और निवेदन करेंगे जो है कि भाई मुख्यालय चंदौसी में होना चाहिए, बैजू में होना चाहिए, जो है चंदौसी विधानसभा के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन ये संभल वालों की मांग है कि संभल के आसपास बनाया जाए, अब तक ये झगड़ा रहा है। संभल में कोई औचित्य नहीं है, वहाँ तो अधिकारी भी उनसे भयभीत है और वहाँ जाने से सब लोग डरते हैं। उनका इतना आतंक है संभल वालों का कि कोई व्यक्ति अगर किसी से जरा सी टक्कर भी लग जाए तो वो उसको जो है पीट पीट के सही कर देते हैं। और कोई साधन है संभल में, क्या है बताइए, संभल में क्या है? जैसे कल योगी जी के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हुई, उसके बाद जब संभल में विजय जुलूस निकाला जा रहा था, तो जो कल हुआ है घटना, वो क्या है? कुछ पथराव हुआ है जुलूस पर, पुलिस उसमें जांच कर रही है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी करी है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये SP साहब से बात हुई है। We'll be right back.